तो एक इंक्लाइन प्लेन बना लें देखो ये इंक्लाइन प्लेन है और कह रहा एक प्लेन सरफेस इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विद दी हॉर्जेंटल तो हॉर्जेंटल से थीटा एंगल ना रहा इंक्लाइन प्लेन गिवन है फ्रॉम द बॉटम ऑफ फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन इज बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी v, तो इसके बॉटम से यहां से v वेलोसिटी से आप एक बुलेट फायर कर रहे हो और ये मैंने लेट कर लिया ये एंगल दिया नहीं मैंने यहां से हॉर्जेंटल से लेट कर लिया अल्फा अगर ये हॉर्जेंटल से अल्फा ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये अल्फा मानस के थीटा होगा यहां से फिर पार्टिकल को आपने ऐसे थ्रो कर दिया है ऐसे इसको मैंने एक्स सक्सेस इसको माना है बेटा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैंने एक्स सक्सेस इसको लेट किया है देख इसको और वाई एक्सेस मैंने ऐसे कर लिया ना दोनों एक्सेस इंपॉर्टेंट ये है ये वाई एक्सेस कंसिडर किया है इस की कंपोनेंट कर लूं एक्स एक्सेस के दैट मींस ये इसे ले सकता हूं मैं वी कॉस अल्फा माइनस थीटा और ये वाला कंपोनेंट लिख सकता हूं मैं वी साइन अल्फा माइनस ये अब आपको क्या करना है इसमें एक डायग्राम और बनाता हूँ सिंपल सा उसमें मैं आपको एक्जिलरेशन के बारे में बताऊंगा कि ये एंगल ठीठा है और यहां से आपने पार्टिकल को वी वेलोसिटी से ये एंगल बनाते हुए अल्फा ये थ्रो किया ऐसे तो जो जी की दर्शन होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है ऐसे इसके अगर कंपोनेंट करें तो परपेंडिकुलर प्लेन के और ये वाला एंग ऐसे जी की कंपोर्ट करें तो ये थीटा है तो ये नाइन्टी और ये नाइन्टी हो तो ये थीटा आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट आएगा जी कॉस्ट थीटा और ये वाला आएगा जी साइन थीटा इसमें इम्पोर्टेंट है कि हमें एलोंग एक्सेस जी का कंपोनेंट चाहिए ए एक्स तो जो होगा माइनस के जी साइन थीटा ऐसे और एलोंग वाई एक्सेस चाहिए दैट मीन्स इधर की तरफ चाहिए तो ये होगा ए वाई बराबर माइनस के जी कॉस थीटा इस पे ध्यान दो इस पे और इस पे ये हमेशा ध्यान रखो आप इसको ठीक साहब अब क्या करना है कि ओ से पी तक हमें रेंज निकालनी है ये रेंज होगी इसकी बेटा ये रेंज है ओ टू पी ये जो ओ से पी है ये रेंज है हाँ ये हमें रेंज है ये मैक्सिमम रेंज निकालनी है वैसे तो हमें ये रेंज है ये निकालना है तो फिर क्या लिखें फॉर मोशन फ्रॉम फॉर मोशन अलोंग y एक्सेस फ्रॉम O to P ये और अलोंग y एक्सेस जो है y की वैल्यू कितनी है जीरो देखो ओ से पी तक अगर हम वाई दृश्य में चले तो देखो जिस ये और ये पॉइंट में हम वाई में बिल्कुल नहीं गए एक्स में तो चले हैं यहां से यहां तक देखें तो वाई में ऊपर नहीं गए बिल्कुल अलोंग वाई एक्स एक्स डिसमेंट तो जीरो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है ओ टू बी ये वाला तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो करें इन इक्वेशन और वाई एक्स एस के अलॉन्ग लेर सारी चीजें वाई एक्स के अलोंग लेंगे एस ऐसरा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी ये तो क्योंकि एलॉन्ग वाइक्स देख रहे हैं हम तो एस तो कितना है जीरो है यू कितना है ये रहा इनिशियल एलोंग वाई एक्स एक्सेस कहला तो मैंने लिखा वी साइन अल्फा माइनस थीटा और टाइम मैंने टी लेट किया O से पी तक का जो टाइम है वो टी है ये टाइम ऑफ लाइट कहलाता है टाइम ऑफ लाइट और प्लस हाफ ए वाई अलोंग वाइक्स में देखो ये माइनस तो का जी थीटा तो माइनस का जी थीटा और टाइम पे टी स्क्वायर इसको इधर ले जाए इसको उधर ले आए तो देखो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा तो आप हाँ जी कॉस्ट थीटा टी स्केर इजुक्ल टू वी साइन अल्फा माइनस के टी इन टू टी इस टी से ये टी कैंसिल दो का मल्टीप्लाई तो टाइम ऑफ लाइट निकल आएगा टू वी साइन अल्फा माइनस के थीटा ओवर जी कॉस्ट थीटा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई जी परपेंडिकुलर ये देख टाइम ऑफ लाइट निकला लेकिन हमें टाइम ऑफ लाइट नहीं निकालना रेंज निकालनी है तो फॉर फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सेस फ्रॉम ओ टू पी ये अलोंग एक्स एक्सेस की बात करें तो ए से पी तक की बात करें तो ये रेंज हो गई एक्स एक्सेस में तो यहाँ x बराबर हो गया रेंज के बराबर और फिर इक्वेशन इन इक्वेशन एस बराबर हाफ ए एक्स टी, हाँ टी स्क्स तो, तो हो गया आपका r यू एक्स देखो ये हो गया इनिशियल तो ये हो गया v cos अल्फा माइनस थीटा टी प्लस हाफ ए x एक्स देखो इस डायरेक्शन में माइनस के जी sin डीटा है तो माइनस का जी साइन थीटा लिखेंगे तो माइनस के जी साइन थीटा और टी, से टी कॉमन ले लें टी कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा वी कॉस अल्फा माइनस के थीटा, ये टी कॉमन आ गया और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा हाफ जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी एक टी बचेगा ये वाली जो टी है ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस जगह पर तो अगर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पोर्ट कर देते हैं तो आर इज उक्वल टू टू वी साइन अल्फा माइनस थीटा ओवर जी कॉस थीटा वी कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस हाफ जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू वी साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस थीटा ये देखो, ये देखो हो गया तो देखो यहाँ से जी से जी कैंसिल हो जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये जो वी है ना यहाँ पे ये कॉमन ले लो आप टू, टू हो जाएगा ले लिया मैंने साइन अल्फा माइनस के थीटा ओवर जी कॉस थीटा और यहां से कॉमन लेने के बाद कॉस्टीटा एलसीएम ले लो एलसीएम लोगे तो कॉस्टीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस v तो कॉमन ले रखा था और इसके नीचे एक लिख के कॉमन एलसीएम ले लिया है माइनस के यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा माइनस के थीटा ये बचेगा अब देखो इसमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी तो इसमें लगा दो कॉस ए प्लस का फॉर्मूला टू वी स्क्वेयर अल्फा माइनस के थीटा ओवर जी कॉस थीटा और इसमें लगाए कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए तो ये हो गया और प्लस बी हो गया अल्फा माइनस के थीटा ओवर नीचे कॉस थीटा थीटा से ये थीटा कैंसिल हो गया इसलिए रेंज आ गई टू वी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्र थीटा लेकिन इसे मैक्सिमम रेंज नहीं निकाल पाएंगे हम अभी क्यों निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा है ना आपका ये वेरिएबल हो सकता है है ना कांस्टेंट नहीं थीटा कांस्टेंट है और इसमें अल्फा है इसमें थीटा कांस्टेंट अल्फा इसमें भी अल्फा इसमें भी है और मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन लगा है? लगा ही नहीं पा रहे तो इसके लिए यहाँ आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको इसमें और इसमें आपको एक फॉर्मा लगाना पड़ेगा ये मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ फिर बता भी दूंगा ये फार्मूला कैसे आया टू कॉस ए साइन बी ये वाला फॉर्मा लगाएं तो ये होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी याद होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूल और साइन ए मानस के बी के फॉर्मुले में से आप इसका फॉर्मुला लगाओ इसका फॉर्मला लगाओ सॉल्व करो ये आ जाएगा चेक कर सकते हो आप ठीक ये वाला मैं यहाँ लगा रहा हूँ ये टू को और ये इसको और इसको ये देखो टू कॉस अल्फा साइन तो ये ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो आर इल टू कितना आ रहा है टू चला गया फॉर्मूले के अंदर तो वी अल्फा, अल्फा माइनस थीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फा प्लस थीटा है ना डिवाइड बाई ये वी स्क्र बाहर रहेगा और ये जी कॉस स्क्ठा आर इज टू हो जाएगा वी ब्रैकेट के बाहर ये ये टू अल्फा माइनस और माइनस ये अल्फा से अल्फा कैंसिल दैट थीटा थीटा और डिवाइड कितना जी उसके अब देखो रेंज का फॉर्मूला ये है लेकिन ये हमें याद होना चाहिए लेकिन ऐसे याद होना चाहिए कि ये इंक्लाइन प्लेन से थीटा बनना हो और बॉटम से ये वेलोसिटी है ना ये इससे एंगल बना रहा हो अल्फा कभी कभी इससे एंगल दे रखा होता है इससे अलग दे रखा होता है कन्फ्यूजन हो जाता है ये एक फॉर्मूला कब वैलिड है ये एंगल अल्फा किस से है हॉर्जेंटल से तब ये फॉर्मला आपका ये वैलिड होता है इस वाले सिचुएशन में ठीक अब देखो इसमें रेंज मेरे को मैक्सिमम करनी है तो अब देखो थीटा तो टर्म है इफ सिंस थीटा तो फिक्स है फॉर फॉर अ अ गिवन गिवन प्लेन प्लेन Plane के लिए। मैं कितने एंगल से, से थ्रो करूं जिससे रेंज मैक्सिमम आ जाए ये इंपॉर्टेंट है तभी तो रेंज मैक्सिमम होगी देखो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन के टेबल में जो होती है टू अल्फाइन माइनस के थीटा ये प्लस वन होती है तो इस वाली इसमें मैक्सिमम रेंज आ जा जाएगी अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दूँ प्लस वन तो वी स्क्केयर वन माइनस के साइन थीटा अब देखिए यहां पर हमें एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ साइन उसके ठीटा प्लस इज्कवल टू वन है ना और उसकी वैल्यू मैं सॉल्व करूँ तो देखो वी स्क्केयर वन माइनस के साइन थी जी और इसकी जगह लिख सकता हूँ वन माइनस के साइन उसके और इसको मैं आगे आऊ वी स्क्र वन माइनस के साइन थीटा और over G, और इसकी जगह ले ए स्क्र माइनस बी स्क्स बी और ए माइनस बी तो वन प्लस और वन माइनस साइन थीटा और देखो इससे एक कैंसिल इसलिए मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला आया वी स्क्वेयर अपॉन जी वन प्लस साइन थीटा आया ये देखो इतना अब इसमें यहां एक चीज और कर सकते हो आप साइन टू अल्फा माइनस थीटा इज उकल टू साइन नाइनटी ले सकते हो आप साइन से साइन काट दो तो यहां से टू माइनस थीटा इज उकल टू नाइनटी डिग्री तो अल्फा बराबर नाइनटी प्लस थीटा बाई टू तो इसका मतलब है कि हमें जो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से फेंकना चाहिए वो वर्टिकल से वर्टिकल प्लस इंक्लाइन प्लेन के एंगल का बाई से फेंकना चाहिए फोर्टी फाइव डिग्री वर्टिकल का बाई सेक्टर हो गया फोर्टी फाइव डिग्री और इंक्लाइन प्लेन का बाइसेक्टर हो गया थीटा बाई टू इतने एंगल्स हमें इसे थ्रो करना चाहिए ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फॉर मैक्सिमम रेंज ये भी एक फॉर्मले की तरह से काम करता है ये याद होना चाहिए हमें ठीक अगर ये हमें फार्मूला डायरेक्टली याद हो लेकिन ये कब वैलिड है ये थीटा यहाँ पे इंक्लाइन पिन वाला है दिख रहा है तो ये याद कर लो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला डायरेक्टली है ना लेकिन अगर तुम्हें सीखना है पैटर्न तो ये तरीका इसका इस बी चॉइस इज ए करेक्ट चॉइस पढ़ते रहिए और खुश रहिए थैंक यू